बड़वानी जिले में कोविड 19 के टीकाकरण को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते जिले के कई लोगों का टीकाकरण नहीं हो सका है। देखें ये खास रिपोर्ट। दरअसल बड़वानी जिले में टीकाकरण शुरू हुए एक महीना हो गया है, लेकिन टीके को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो 7314 का टारगेट था, जिसमें 5677 लोगों का ही टीकाकरण हो सका। तो वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो 4247 का वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें से 2901 को ही टीका लगाया गया। टीकाकरण अधिकारी मनोज खन्ना ने कहा कि 19 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स व 20 फरवरी को हेल्थ केयर वर्कर्स का मॉपअप राउंड रखा है, जबकि 22 फरवरी से दूसरा टीका हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा। देखिए, पहले तो हेल्थ केयर वर्कर को टीकाकरण प्रारंभ किया गया और बाद में फ्रंटलाइन वर्कर को किया गया। तो 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर को टीके लगे हैं। लगभग हमने 30 सेशन साइट चुने थे, उस पर 116 सेशन प्लान हुए हैं। 7314 का हमारा टारगेट था, जैसे 5677 को हमने एकत्रित किया। लगभग हमने बड़वानी में 70% का कवरेज किया है। इसी प्रकार से फ्रंटलाइन वर्कर को 8 फरवरी से हमने चालू किया था टीकाकरण, और आज तक टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 4247 हितग्राही के बेनिफिशरीज पाए गए थे और 2901 को टीका लग चुका है। आज का जो भी डाटा आएगा उसमें एड हो जाएगा, मतलब तो अभी तक 68% हमने कवरेज किया है। इसमें 7 सेशन सेट चुने गए थे और 34 सेशन प्लान किए गए थे। हेल्थ केयर वर्कर का मॉपअप 20 तारीख को भी और होगा, 20 फरवरी को, और 19 को हमारा फ्रंटलाइन वर्कर का मॉपअप किया जाएगा। 22 तारीख फरवरी को हमारा सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा हेल्थ केयर वर्कर का, जिसमें दूसरा टीका उनको लगाया जाएगा। टीकाकरण अधिकारी ने कहा कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन सभी को मैसेज किया है। इसमें गर्भवती महिलाएं, एलर्जी वाले व जिन्हें नहीं लगवाना था वही लोग टीका लगाने से छूटे हैं। जहां तक ये रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका था उनको सभी तरीके से हमने मैसेज भी किया था। पर्सनली उनका मोबाइल नंबर हमारे पास था पोर्टल पे, उसके अनुसार हमने उनको फोन भी किया था या किसी दूसरे माध्यम से हमने उनकी सूचना भी पहुँचाई थी। तो जिनको नहीं लगे वो छूटे हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जिनके बच्चे छोटे थे, 6 महीने से छोटे हैं, जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स थी, केवल वही छूटे हैं, या फिर जो चाह कर भी टीका नहीं लगवा रहे हैं, बस वही छूटे हैं। डॉक्टर पीके पोरवाल ने कहा कि शुरू में लिस्ट बनी थी तब नाम भेजा था, लेकिन नाम नहीं आया इसलिए टीका नहीं लगा है। वैक्सीन का वेस्टेज रोकने के लिए भी CMO ऑफिस में बताया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले आधार कार्ड मांगा, फिर पैन कार्ड मांगा। जब शुरू में लिस्ट बनी थी तो मैंने अपना नाम भेज दिया था महामृत्युंजय के हॉस्पिटल से, पर किसी कारण से वो त्रुटि छूट गया है, अभी तक तो मेरे को लगा नहीं। इस संबंध में मैंने CMO ऑफिस में बताया था कि भाई जो वेस्टेज है तो एक स्टैंड बाय में रखो, लोग जिनको लगना है वैक्सीन, तो कम से कम वेस्टेज तो नहीं होगा। वैक्सीन मेरे को मत लगाओ, किसी को भी लगा दो, तो वैक्सीन का कम से कम सर्टिफिकेट तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि सर ये सब पॉलिसी स्टेट लेवल पे बनती है, तो हम वहाँ पे ये आपका मैसेज कन्वे करेंगे। डॉक्टर मदन सोलंकी ने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए कुछ महीने पहले आवेदन दिया था, लेकिन मेरा व कुछ डॉक्टरों का नाम इसमें छूट गया, जिससे उन्हें टीका नहीं लग सका है। आवेदन दिया था महामृत्युंजय हॉस्पिटल में, उन्होंने सभी डॉक्टर्स जो भी फ्रंट लाइन के जितने वर्कर्स उनका सबका लिस्ट दिया, आइडेंटिटी मिली थी, लेकिन अब मेरा नाम नहीं आया उसमें। कुछ डॉक्टर हमारे जो हॉस्पिटल के उनका नाम छूट गया। सर कब दिया था डॉक्यूमेंट्स? जब सबका लिया जा रहा था आज से चार महीने पहले, तो सभी लोगों का आ गया है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टाफ के लोग जो है छूट गए हैं, उनका नाम नहीं आया है, उनको टीका नहीं लगा है। उन्होंने बताया था कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड जो है, आपने आधार कार्ड दिया है, आपको पैन कार्ड देना चाहिए था, तो उसकी वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसलिए आप जब लिस्ट में नाम आएगा तब टीका लगेगा। देखा जाए तो बड़वानी में कई हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने टीका लगवाने के लिए आवेदन तो दिया, लेकिन उनका नाम किन्हीं कारणों से नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।